बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोग तो अपॉइंट करते हैं, डेलीगेशन तो करते हैं, लोगों के ऊपर काम सौंप देते हैं, काम करवा लेने के लिए सुपरवाइज़र भी अपॉइंट करते हैं। सुपरवाइज़र या मैनेजर वो लोगों से काम करवा के लेता है, मगर प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे सुपरवाइजर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारे लोग जब काम करते हैं उनको जब डेलीगेट किया हुआ है, अब ये लोग काम कर रहे कि नहीं कर रहे ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैनेजर को बोला कि तू ये काम कर, मगर मैनेजर ही काम नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए मैं हरदम बोलता हूँ, जब हम बिज़नेस कोचिंग करते हैं तो बिज़नेस कोचिंग में मैं हरदम बोलता हूँ कि भाई आपको चाहिए एक चेकर, या उसको हम बोलते हैं कि भाई प्रोसेस कोऑर्डिनेटर PC। और ये प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का काम क्या है, उसका काम है कि जो भी सिस्टम लगाई हुई है, जो भी डिसिप्लिन लगाई हुई है, जो भी काम बांट के दिया हुआ है, वो काम हर एक ने करना, और वो काम ठीक तरह से कर रहा कि नहीं कर रहा, ठीक ढंग से कर रहा कि नहीं कर रहा है, करेक्ट कर रहा कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करना। क्योंकि क्या है कि बीइंग अ ह्यूमन, एक कितना भी अच्छा आदमी रहे, कितना भी कमिटेड है, कुछ भी रहे, तभी अल्टीमेटली बीइंग अ ह्यूमन वो गलती कर सकता है, गलतियाँ होती है। एक तो मिस्टेक्स ऑफ ओमिशन या मिस्टेक्स ऑफ कमीशन, मतलब एक तो गलती मालूम है और कर दिया, इसलिए गलती हो गई, ख्याल नहीं दिया, अटेंशन बराबर नहीं रखा, फोकस नहीं किया, ख्याल उधर उधर है, इसलिए गलती कर लिया, या दूसरा उसको मालूम ही नहीं है इसलिए गलती हो गई। तो दोनों इसमें चेकिंग करना जरूरी है, चेकर जरूरी है, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर। इसलिए हर बिजनेस में मैं बोलता हूँ कि प्रोसेस कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट करो। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार शिक्षकतज्ञ हूँ और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, सेमिनार लीडर हूँ। पिछले 41 साल से लोगों को बिजनेस कोचिंग में मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और लोगों के बिजनेसेस ग्रो कर रहा हूँ। मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट भी हूँ, और उसमें भी मेरे कई लोग ऐसे हैं कि जो मेरे विद्यार्थी हैं और वो सीख रहे हैं। तो बिजनेस में मैं सिखाता हूँ कि भाई प्रोसेस कोऑर्डिनेटर जरूरी है। और बिजनेस ओनर क्या करेगा, बिजनेस ओनर प्रोसेस कोऑर्डिनेटर से बात करेगा कि भाई हुआ कि नहीं हुआ काम, चेक कर रहा कि नहीं कर रहा, मतलब इसे चेक कर, वो चेक करेगा। अच्छा, फिर मतलब ऐसा है कि आप खुद कार चला रहे हो, मैं खुद कार चला रहा हूँ, अब कार जब चला रहा हूँ तो मेरा पूरा ख्याल कार चलाने में है, कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई सामने से आ रहा है, कोई गड्ढा है, स्पीड ब्रेकर्स है, मतलब सब देख के कार मुझे चलाने का है। तो एक तो मैं कार चला रहा हूँ, या फिर मैंने कार ड्राइवर रखा हुआ है और वो कार चला रहा है। तो कार ड्राइवर यदि कार चला रहा है तो फिर क्या होगा, मैं फ्री हो जाऊँगा, मुझे फ्रीडम मिलेगा, और फिर वो जर्नी में, वो कार में बैठे बैठे मैं फिर और कुछ काम कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं थिंकिंग कर सकता हूँ, मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, कुछ भी कर काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कार ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ। बस सिमिलर है बिजनेस का, कि बिजनेस चलाने के लिए PC चाहिए, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर चाहिए, बिजनेस तैयार करने के लिए बिजनेसमैन चाहिए। बिजनेसमैन बिजनेस चला नहीं सकता है, बिजनेस प्लान कर सकता है, डिज़ाइन कर सकता है, सिस्टम लगा सकता है, चलाने के लिए है प्रोसेस कोऑर्डिनेटर। फिर आप जब प्रोसेस कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करते हो तो क्या होता है कि नया आदमी जी रहा तो पुराने लोग उसका मानते नहीं, उनको लगता है कि अपना बॉस आ गया, ये कहाँ पूछने वाला हमको आ गया, ऐसे बहुत देख लिए। ओल्ड पीपल, पुराने लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा तनख्वाह वाले लोग उसको मानते नहीं, उसने कुछ भी पूछा तभी उसका जवाब देंगे नहीं, फिर क्या करना होगा। फिर आपको एज ए बिजनेस ओनर, आपको जो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है उसको आपको लेके सबसे इंट्रोडक्शन करवा देना, सबसे इंट्रोडक्शन करवा के बोलना पड़ेगा ये मेरा आदमी है, ये जब आके आपको पूछ रहा है कि सिस्टम फॉलो हुई कि नहीं हुई, ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, आपको उसको जवाब देना है, ये आ गया मतलब मैं आ गया। आप जब ऐसा बोलेंगे कि भाई ये जो है ये आदमी है कि ये मेरे को रिपोर्ट करने वाला है, तो ऐसा आपको उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये तुम्हारा सुपीरियर नहीं है, ये तुम्हारा मैनेजर नहीं है, ये तुम्हारा CEO नहीं है, ये तुम्हारा बॉस नहीं है, ये है चेकर, ये है प्रोसेस कोऑर्डिनेटर। और ये प्रोसेस कोऑर्डिनेटर जो है वो प्रोसेसेस सब चल रहे कि नहीं चल रहे उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, डिसिप्लिन वे में ला के रख रहा है। तो फिर आप जब लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये आदमी ऐसा काम करेगा कि आपका बॉस भी नहीं है और ये सब कर रहा है, तो फिर उसके लिए काम आसान हो जाएगा। और तभी भी लोग मानते नहीं है तो फिर उनको बुलाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं, इसका काम क्या है, ये क्यों अपॉइंट किया हुआ है। धीरे धीरे महीने भर के अंदर लोग तैयार हो जाएंगे
और प्रोसेस कोऑर्डिनेटर काम करना चालू करेगा। तो चेकर जो है बहुत ज़रूरी है। देखो ना, कोई भी इंस्टीट्यूट है, अभी बैंक है हमारी, बैंक में भी चेकर है, एक है इंटरनल ऑडिटर, एक है एक्सटर्नल ऑडिटर, वो आके चेक करते कि तुमने बराबर काम किया कि नहीं कर रहा। फिर इंटरनल ऑडिटर अलग है, वो टीम अलग है, एक्सटर्नल ऑडिटर की टीम अलग है। उसके अलावा रिजर्व बैंक के ऑडिट आते हैं, वो लोग अलग है। तो ऑडिटर आके, ऑडिटर का काम ये है कि काम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रही है, नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब उसको देखना पड़ता है। बिना ऑडिट काम चल नहीं सकता है। तो ऑडिटर है, ये चेकर है, या ये पीसी है, कोई भी रहो, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मगर ये आपके बिजनेस में रहा तो आपको फ्रीडम मिलेगा, आप पूरी तरह फ्री हो जाएंगे, फिर आपका काम डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, थिंकिंग, एक्सपांडिंग उसमें चले जाएगा। वो आपको अच्छा लगा तो सभी बिजनेसमैन को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।